दोस्तों हमारे साथ आज हैं ऐसे सिंगर जिन्होंने गाने के पूरे मायने ही बदल दिए हैं। ऐसा ही एक नाम है फैजल पुरिया, जिन्होंने गाने को बिल्कुल बदल दिया है। तो चलिए उन्हीं के पास और उनसे पूछते हैं कि अब इस नए गाने में वो ऐसा क्या करेंगे। सर, आपका यह नया गाना आ रहा है पार्टी। हाँ जी सर। आपके पहले भी बहुत गाने आए हैं और आपने लोगों को अपनी तरफ खींच भी रखा है। हाँ जी सर। आप अपने इस नए गाने पार्टी के बारे में बताइए। सर, ये पार्टी सॉन्ग है और फुल ऑन हरियाणवी लैंग्वेज में। इसमें आपको बहुत चीज़ें अलग दिखाई देंगी, जो नॉर्मल वीडियोज़ होती है उनके उनसे बहुत डिफरेंट है ये। इसमें हॉलीवुड टच दिया हुआ है हमने, वीडियो इफेक्ट्स बहुत अच्छे डाले हुए। सेकंड, ये हमने एक प्रॉपर आइलैंड पे इसकी पार्टी दिखाई है कि हरियाणा वाले जब पार्टी करते हो तो कैसे करते हैं। तो दैट्स इट। इसमें यही है, डिफरेंट यही है कि इसमें बस हरियाणवी लैंग्वेज है और इसमें हम रैप भी मैं खुद कर रहा हूँ और सिंगिंग पार्ट भी मेरा ही है। जैसे कि आजकल देखा जा रहा है हर एक गाने के अंदर रैप बिल्कुल आता जा रहा है, हर एक गाने के अंदर रैप डाला जा रहा है और इस गाने में भी आप कह रहे हैं रैप है, तो क्या हम उस रैप के दो चार बोल सुन सकते हैं जैसे? हाँ जी सर, बिल्कुल। आइलैंड पे पार्टी हो रही, पार्टी फजल पुरिया की, छोरियाँ यहाँ आ रखी हैं, घनी नशे की पुड़िया सी, रैपी सा बहुत है ठोकर रखी है दुनिया की, आजा भाई तने दवा दू पुच्ची वाले ती गुड़िया की। दोस्तों, ऐसा एक नाम है रफ्तार, जिस गाने में रफ्तार का नाम आ जाए उस गाने की तो वाह वाही हो जाती है। तो चलिए रफ्तार के पास, कि उन्होंने इस गाने में अपना क्या योगदान दिया है। सर, आपने इस गाने के अंदर अपना क्या सुना? भाई, मैंने इसमें योगदान दिया है कि मैंने पुण्य दान दिया है, फाजिल भाई को बोल के गाना रिलीज कर दो, है कि नहीं? योगदान मेरा बस इतना ही है कि भाई बोलते थे भाई ये बढ़िया लग रहा है क्या, मैं कहा भाई बहुत बढ़िया, कसुत्ता एकदम, गेर दो पटाखा, बस यही है। आप किसी बोली से लग रहा है कि आप पूरे के पूरे हरियाणवी हैं लेकिन आप गाने पंजाबी। मैं केरला से हूँ। सात भाषाएं आती हैं, सात भाषाएं, समझ गए भाई? तो ये मत पूछो हरियाणवी पंजाबी, समझ में नहीं आ रहा। करना चाहते हैं कि वी आर सी, इट्स अ इंडियन म्यूजिक सीन और लोगों को यही बोलना चाहिए, अगर गुरु का गाना यहाँ बजता है तो मैं कहता हूँ चेन्नई में ही बजना चाहिए, अगर फैजल पुरिया का गाना यहाँ बजता है हरियाणा में तो जम्मू में ही बजना चाहिए, और मैं केरला से हूँ, अगर मैं पंजाबी म्यूजिक कर सकता हूँ तो ये भी तो कुछ भी कर सकते हैं। सो दैट इज़ वॉट वी आर ट्राइंग टू यूनाइट म्यूजिक एंड दिस इज़ द प्रूफ दैट पंजाब हरियाणा एंड हिंदी इज़ हेयर एंड वी आर यूनाइटिंग टू फॉर्म अ बिगर टेरिटरी। 10 में से 10। तो ये थे हमारे साथ पार्टी सॉन्ग थे हमारे फैजल पुरिया। मैं दीपांश विजय, कैमरामैन संदीप के साथ न्यूज़ पॉइंट।